नोट 3 एक ऐसा डिवाइस है जिसे शाओमी ने इंडिया में अभी तक सबसे ज्यादा डिवाइस बेचा है, इवन रेडमी नोट 4 से भी ज्यादा। ये डिवाइस लॉन्च हुआ था सन 2016 में और मार्च के महीने में। आता है स्नैपड्रैगन 650 के साथ और 2GB रैम और 3GB रैम के दो वेरिएंट के साथ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग Xiaomi Redmi Note 3 के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। यू नो Xiaomi की डिवाइस सबसे अच्छे होते हैं जब आप कंपेयर करते हैं हार्डवेयर दूसरे कंपनियों के मुकाबले, लेकिन सबसे बड़ा डाउनसाइड सिर्फ Xiaomi का यही है कि ये आता है डिफॉल्ट MIUI के साथ, जो एक बहुत ही हैवीली स्किन्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग की माने तो सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस हमें देता है, और स्पेशली 2GB वाला वेरियंट तो बिल्कुल ख़राब है, इवन आप दो एप्लीकेशन भी एक साथ नहीं चला सकते। तो दोस्तों अगर हम और आप होंगे तो थोड़ा टेक्निकल होंगे, कस्टम रॉम्स की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कस्टम रोम के बारे में और जानेंगे कौन सा सबसे स्टेबल कस्टम रोम है Xiaomi Redmi Note 3 के लिए, स्पेशली 2GB वेरिएंट के लिए, क्योंकि मैं 2GB वेरिएंट ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप 3GB वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, मेरे से भी ज़्यादा। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे वाइपर रोम के बारे में और देखेंगे कुछ इसके डिटेल फीचर्स, रोम हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है और इसकी यूनिकनेस क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोम की। जो हम यहाँ पर रोम यूज़ कर रहे हैं वो है वाइपर OS, और जो इसकी सिक्योरिटी पैच है वो है अगस्त के 5 अगस्त, मानता हूँ 2 महीना पहले के हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ डेवलपर ने इसका सपोर्ट बंद कर दिया है क्योंकि अब जो फर्दर अपडेट आएगा वो आएगा ओरियो का, तो ओरियो पर डेवलपमेंट चल रहा है। अब इसी के साथ साथ बात कर रहे हैं कर्नल की। मैंने यहाँ पर कस्टम कर्नल यूज़ करा है, बाय डिफ़ॉल्ट जाने के बजाय मैंने यूज़ किया है यहाँ पर रेडॉन कर्नल वर्जन 5.5। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है, अगर आप डेली बेसिक टास्क करते हैं जैसे कि 2-4 एप्लीकेशन रैम में रखना और मिनिमाइज करना, या उनके बीच में बार बार स्विच करना, तो इनके बीच तो आपको कोई भी किसी तरीके का लैग नहीं दिखेगा। और मैं बता दूँ 2GB के रैम वेरियंट वाले फ़ोन पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 4-5 एप्लीकेशन आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और आपको कोई भी एप्लीकेशन रीलोड नहीं होगा। ध्यान रहे इसमें इस फ़ोन में सिर्फ केवल 2GB रैम है, उसके बावजूद मल्टीटास्किंग MIUI के मुकाबले यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे ख़ास बात जो इस रोम की है वो है आप इसमें SIM 1 या SIM 2 कोई सा भी सिम स्लॉट हो आप उस पर VoLTE यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैं इस फ़ोन पर सिम 2 पर VoLTE चला रहा हूँ और मेरा VoLTE आउट ऑफ द बॉक्स चल रहा है। कॉल क्वालिटी का बात करें तो यहाँ पर कॉल क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, नेटवर्क कवरेज काफ़ी अच्छा मिलता है। मैं मानता हूँ MIUI जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ बाकी कस्टम रोम्स के मुकाबले आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नेटवर्क कवरेज इस रोम पर मिलने वाला है। और बात करते हैं बैटरी लाइफ की। बैटरी लाइफ आपको यहाँ पर बहुत बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है। मैंने इस फ़ोन को, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं बता दूँ, इस फ़ोन को मैंने अभी 1 घंटा यूज़ करा है और 90% बैटरी मेरी अभी भी बाकी है। इस हिसाब से देखें तो आपको 8 से 9 घंटा 4G ऑन पर ईजिली मिल जाएगा। चार्जिंग लाइफ की बात करें, मैंने इस पर रेडॉन कर्नल इंस्टॉल कर रखा है। ओवरऑल जो चार्जिंग टाइम है मेरा वो करीब करीब, अगर आपको स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो मेरी मानिए रेडॉन कर्नल फ़ौरन फ्लैश कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कैमरा क्वालिटी की। कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी लो है MIUI के मुकाबले, लेकिन हाँ बाकी कस्टम रोम्स के मुकाबले ठीक है, एवरेज है, बाकी कस्टम रोम जैसी ही है। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, कैजुअल फोटोज़ लेते हैं तो ठीक है। अगर आप कैमरा क्वालिटी आपको चाहिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप MIUI ही चलाएं, क्योंकि MIUI से अच्छी कोई कैमरा क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये रोम बहुत ज़्यादा फीचर रिच तो रोम नहीं है, जैसे कि आपने अगर आप रिसरक्शन रिमिक्स चलाया होगा तो उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक फीचर्स इसमें मौजूद हैं जैसे कि क्विक पुल डाउन सेटिंग्स या नेटवर्क इंडिकेटर या और इसमें इनबिल्ट एक थीम मैनेजर भी है जिसके हिसाब से आप अपनी सिस्टम की थीम भी चेंज कर सकते हैं। आपको सुबह स्ट्रेटम जैसे थीम इंजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन उतना ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं मिलेगा जितना बाकी दूसरी रोम्स में मिलता है, लेकिन मैं मानता हूँ जितना भी है बहुत है एक एवरेज यूज़र के लिए। तो मेरा वर्डिक्ट तो यही है कि आप अगर आप कस्टम रोम ढूंढ रहे हैं, MIUI का एक बेहतरीन कम्पिटेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ रहे हैं अपने Redmi Note 3 के लिए, तो ये रोम आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैं पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रोम का लिंक और जी एप्स का लिंक दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको दोनों फ्लैश करना नहीं आता तो आप फ्लैशिंग ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा पीसी गेमिंग से हटकर है, लेकिन आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।